जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, साक्या रविवद यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और दूर दूर से आए हुए हमारे सभी धम्म बंधुओं को साक्य प्रकाश बौद्ध की तरफ से नमो बुद्ध है। सबसे पहले मैं करुणा के सागर, दया के भंडार तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सत सत नमन करते हुए संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए ज्ञान की देवी माँ सावित्री बाई फूले के चरणों में नमन करते हुए अखंड भारत के शासक अशोक सम्राट जी के चरणों में नमन करते हुए सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोग अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा चंद लाइनों के जरिए से। तो आ जाइए हमारे दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, भगवान से न्याय मिलता, यदि भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, यदि भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते, सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते, और दुआओं से काम चलता तो औषधालय नहीं होते, यदि दुआओं से काम चलता तो औषधालय नहीं होते, और बिन काम किए यदि भाग्य चमकता तो आज हमें काम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो लोग सोच रहे होंगे यहाँ बैठे हैं कि प्रकाश बौद्ध तो मन में आता वही बोलते चले जाते हैं, मैं आपको प्रमाण देता हूँ, जब किसी के यहाँ आप उसमें बैठे हुए हैं या कोई काम आ जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आप लोग कहाँ जाते हो? थाने, पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन, हर जगह जाते हो। क्यों नहीं भगवान जी के मंदिर चले जाते हो? चले जाइए, न्याय ले लीजिए, तब नहीं जाओगे। तब यदि थाने ही जाओगे आप, तो भगवान के ऊपर आपको क्षण भर भी विश्वास नहीं है कि वहाँ से आपको न्याय मिल जाएगा। और दूसरी बात रही, पढ़ने के लिए जाओगे स्कूलों में, वहाँ पर आपको टीचर सभी लोग पढ़ाते हैं और पढ़ लेते हो, और उसके बाद जब पूजा पाठ करने की आती है तो आप टीचर या माँ बाप जो भेजते हैं हमें पढ़ने, कष्ट उठाकर उनकी तो सेवापन करना भूल जाते हो। सुबह सुबह उठकर सिर्फ सरस्वती देवी की पूजा करते हो। तो सरस्वती से ही यदि ज्ञान मिल जाता तो हमें विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा सवाल है मेरा, बोलते हो किसी ने मुझसे गलत कह दिया कि तेरा विनाश हो जाए या कुछ हो जाए, उससे हम झगड़ा कर लेते हैं, लड़ जाते हैं आपस में, इतना ही विवाद कर डालते हैं कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो दोस्तों, यदि हमारी दुआओं से काम चल जाता, बोल दिया सदा सुखी रहो, अगर दुआओं से ही हमें काम चल जाता, यदि बीमार पड़ गए हम तो किसी ने अगर दुआ दे दे सही हो जाओ, तो हमें दवा खाने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, औषधालय जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए सभी लोगों से मेरा कहना है कि किसी के भरा भरा कहने से कुछ नहीं होता है। और बोलते बिना काम किए भाग चमकता, बोलते हैं ये चमत्कार हो जाएगा, ये पूजा पाठ कर लो ये चमत्कार हो जाएगा, ये हो जाएंगे, रुपए मिल जाएंगे, ऐसा मैंने सुना है। अगर बिना काम किए भाग चमकता तो आज हमें काम करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए आप लोगों को बुरा लगा हो तो हृदय से माफ़ी चाहूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।